ये पहली बार हम एक इतना बड़ा कार्यक्रम एक वर्चुअल मोड से कर रहे हैं। इसमें थोड़ा कमियां तो जरूर होगी, आप सब क्षमा करेंगे, हमारी ऐसी आशा है। तो आज ये स्वागत भाषण में मैं उतना लंबा भाषण देना नहीं चाहती हूँ। हमारे भारत भर के हमारे कॉरपोरेट के सभी कार्यालयों से, शोरूमों से, सब ऑफिसों से, रीजनल ऑफिसों से, सब रीजनल ऑफिसों से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, सभी जगहों से, सभी संस्थानों से, हमारे इस मुख्यालय के सभी अनुभागों से, हमारे अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप सबको हम कॉरपोरेट की ओर से, कॉरपोरेट के हिंदी अनुभाग की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहते हैं। तो आज हिंदी दिवस है। संसद के संविधान सभा ने बहुत वर्षों पहले संविधान सभा ने हिंदी को जिस दिन राजभाषा के रूप में, संघ सरकार के राजभाषा के रूप में, जिस 14 सितंबर को 1949 में, जिस 14 तारीख को हिंदी को चुन लिया, उस तारीख को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो साधारण रूप से हम कॉरपोरेट में भी हिंदी दिवस धूमधाम से मनाते हैं, हमारे सब ऑफिसों में बैनर प्रदर्शित करते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, मुख्यालय और सीसीआरए कॉम्प्लेक्स में भी करते हैं बहुत सारे कार्यक्रम कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए। लेकिन इस साल हमारा ये आशा है कि ये पूरा महीना, सितंबर 14 से अक्टूबर 14 तक, एक महीने की अवधि हम हिंदी के लिए दे जाएं, हिंदी में काम ज्यादातर करिए, ऐसी हमारा आशा है। तो इस कार्यक्रम में आप सबको हार्दिक रूप से, तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और आगे इस कार्यक्रम में हमारे माननीय सचिव महोदय उपस्थित हैं, माननीय अधिकारी गण उपस्थित हैं, अध्यक्ष महोदय किसी पूर्व निश्चित कार्यक्रमों के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, फिर भी उनके आशीर्वचन हमें मिले हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। और अगला हमारे कुमार राजा सर से, हमारे सचिव महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में दो शब्द बताइए उद्घाटन भाषण के रूप में। हम जो ट्रेडिशनल रूप से जो दिया जलाने का वो कार्यक्रम है, वो इसमें इस समय हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए मेरा कुमार राजा सर से अनुरोध है कि आप अपना भाषण दे दीजिए। कुमार राजा सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू डिलीवर योर इनॉग्रल स्पीच। वी आर नॉट लाइटिंग द लैम्प ट्रेडिशनली बिकॉज दिस इज ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, एंड इंस्टेड ऑफ लाइटिंग ऑफ द लैम्प, हिंदी सेक्शन हैज अरेंज्ड समथिंग एल्स फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। आपके आफ्टर योर स्पीच इट विल बी शोन सर। कुमार राजा सर, थैंक यू। नमस्कार मेरा दोस्त कलीग्स ऑफिसर्स, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से माय प्रणाम टू भारत माता की जय। दिस इज अ वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ हिंदी चैतन्य मास सेलिब्रेशंस। एज यू ऑल नो, लास्ट ईयर वी गॉट सर्वमान OLIC Implementation Award, second prize, because of our Hindi officer, Hindi team, Hindi, all our colleagues, everybody associated, and we got it. In this special day, I would like to mention one thing. Learning Hindi, knowing Hindi, practicing Hindi, three things are there. Lot of people, they know Hindi, read and write, but they never practice. Lot of people much interested in seeing the Hindi movie, Hindi songs, but very few people only, they may be able to sing the song, or very few people may be able to use or the language which they are speaking. All are very comfortable with their mother tongue. Even many people, they are not much familiar with their mother tongue also. See, the official language implementation committee,
while I see principles, what it says, you should be a good in your mother tongue, and you should also scholar with the Hindi and its implementation being a Rashtra Bhasha. So this Rashtra Bhasha, when you are learning, you have to keep it in mind. First, you have to talk. Second, you have to write something there in Hindi or vice versa. Then only when you are practicing all those things, the Hindi implementation will come in success. Yes, we are all paid central government employees. So there is a need for learning Hindi. What about the public? What about the industry? For everybody, Hindi is useful or not? If it is useful, you should have a passion to learn Hindi. But more than that, at least you should practice the Hindi by talking each other. We are talking many things in English, even though your mother tongue may be Malayalam or Kannada or whatever may be, you are comfortable in talking with the English. Why not Hindi? So that you can follow a national talk also. When you are going abroad only, you will understand what is the need of a national language. If you are going to Spain, they are having. If you are going to Italy, they are having language. Even if you are going to US, they are having the language. But India is having a lot of cultural, lot of languages. Yes, all need to be respected. But as a helm of affair, we need to practice one language. It will make entire India united like a brothers and sisters. And even the agriculture and farmers, they are based rural-based industry, as Gandhiji said. But farmers in India, farmers in Maharashtra cannot interact with the farmers of Tamil Nadu or Kerala. So at least the speaking language, if it is able to connect their entire requirement, it can be easily fulfilled. It is a cutting and filling methodology. Of course, survival, we have to learn any language. When you are being posted in Bengal, you need to learn the Bengali. That's a different issue. But there should be a common language. It is called Hindi. That too, in our official side, we are following Hindi Chaitanya celebration nearly 14 days. Why this 14 days is like doing a practice of 14 days completely in Hindi? I may be talking in English because I am also a little poor with the Hindi. Because somebody is talking to me in Hindi, then I can reciprocate. But you should talk not like a very scholar Hindi. You should talk like a normal public, what they can practice, those type of, like Abraham, like our Hindi section, like many people, they know Hindi. Practice the Hindi by talking few little bit words or some particular subjects in Hindi. Then it will become a part in the southern region. If you are going to Delhi, North India, they'll be talking everything in Hindi only. Means their mother tongue it can be, but with the practice, they are not much talking with the English. They are talking with the Hindi. So the Hindi is one of the, I can say that, what is the word for the Hindi to say that it is a jiva, your soul. Your soul need to, it's almost like a Hindi is our soul. And I want to congratulate our team, Hindi implementation team, as well as the Hindi cell officers. This time we'll focus for the first prize. Last time MPDA was the first, we are the second, and Cochin Fortress was the third. Let us rank first in all the things. We'll practice Hindi. And today you may be surprised, our Kair Association, that is industry association there in Pollachi, they started Hindi classes, business Hindi. Their objective is to learn Hindi for doing the business. I would like to give our board member also, and also he's an association president, Kokom and Coimbatore District Aspire Association president. They started all these efforts. And as my behalf, I would like to
telecast this address as a voice message for all people. Dhanyavaad Jai Hind. Amko naam ke SK Gautam ne mera Kolachi se Coco Man's pura wala aadmi Hindi class में ज्वाइन करता हूं. हिंदी से राष्ट्र भाषा अच्छा वाला बिजनेस पोल्लाची से कामराजना हरियाणा हिंदी अच्छा मालूम है. हिंदी से तीन महीना को तुम क्लास अच्छा पातेंगना उल्लू ईसिया पुंज को ना ट्राई पनी इट रखें. नथिंग इज इम्पॉसिबल. जय हिंद. So, without saying anything, the effort which is taken by the industry and trade, you may be able to understand. In Hindi, if you want to say, "Kya sawal hai?" before kair bomb. So, Pollachi, which is a hub of Tamil Nadu, they started. So with this 14 days, at least your transaction, interaction, speech, everything, no problem. I never bother about the mistakes when you are talking. Who is the chief minister of Tamil Nadu means that Mr. Kamarajar said, I is the chief minister of Tamil Nadu. So that language, you don't bother about the grammar at all. First you practice. I know a little bit Hindi. That also I want to practice from the today onwards. And all the best for the team effort which is taken up by all our team members. Thank you. Thank you very much. Dhanyavaad. Thank you, sir. Dhanyavaad, sir. Hamare paas samay thoda kam hai, sir. 40 मिनट्स का ये प्रोग्राम है. ये स्लॉट तो 40 मिनट्स का है, तो अभी 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा. नाउ यू आर ऑल आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द स्मॉल वर्चुअल वीडियो फॉर अनाउंसिंग द इनॉग्रेशन ऑफ हिंदी मंथ. कोयर के व्यापार समूह को भी हमारे हिंदी अनुभाग की ओर से एक सैल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने पोल्लाची से हिंदी में बात करके इस अवसर को मंगलमय कर दिया है. तो अभी हिंदी दिवस के संदेश के बारे में बताएं तो हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संदेश मिला है. हिंदी दिवस का संदेश थोड़ा लंबा है, उसका प्रमुख भाग हमारे हिंदी अधिकारी अब आपको सुनाएंगे. देशवासियों, हिंदी दिन के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक संसाधन संपन्न शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, और इसमें देश की समृद्ध भाषा हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है.
वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी में दिए गए भाषणों से हिंदी का वैश्विक कद मजबूत हुआ है और हिंदी प्रेमियों को प्रेरणा भी मिल रही है। संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन करें, तत्परता के साथ अनुपालन करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आम जन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा पाए। आइए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम प्रजना लें कि हिंदी की उन्नति व प्रगति की यात्रा पूरे समर्पण के साथ हम आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी को सभी स्थानीय भाषाओं के साथ में रखते हुए हिंदी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। हिंदी दिन के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे पास 4 मिनट बाकी है। सेक्रेटरी साहब की अनुमति से परमिशन से मैं हमारे इब्राहिम जी को लेखाधिकारी को आशीर्वाद देने हेतु आमंत्रित करती हूँ। इब्राहिम जी। यस इब्राहिम जी, थोड़ा जल्दी कीजिए, ले तो हैं। इब्राहिम जी आप सुन सकते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, मैं म्यूट कर रखा था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था जुड़ के। धन्यवाद जी आपको, आपने मुझे आमंत्रित किया इस अवसर पर। मेरे को यही कहना है, हम कैर बोर्ड का सभी कर्मचारी हिंदी में बहुत कोशिश करते हैं काम करने में और हिंदी में बात करने में। हम इसके हिंदी अनुभव का सहयोग के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। सभी कर्मचारियों को ये भी हम केरला छोड़कर जो बाहर जाते हैं इसका बहुत जरूरत काम आएगी। इसका हिंदी सीखने से बहुत मदद आएगी उनका काम करने में, क्योंकि पहले तो हम भारतवासी है, भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी में बातचीत करना, इसको हिंदी में हिंदी लिखना, हिंदी में काम करना, ये सीखना हमारा कर्तव्य है, मैं मानता हूँ। इसके लिए इस कर्तव्य के पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से हर कोई कर्मचारी, कैर बोर्ड का हर कोई अधिकारी और कर्मचारी ने सहयोग देंगे और हम आशा करता हूँ सभी सहयोग देंगे। आगे इसको हिंदी में आगे थोड़ा आसान से काम करने सीखने के बढ़ाने के लिए हर कर्मचारी से मेरा अनुरोध है और हिंदी अनुभाग से मेरा अनुरोध है, हम अखबार का सब्सक्रिप्शन करना। हिंदी अखबार एक दो हिंदी अखबार जरूर इधर हेड ऑफिस में और सब ऑफिस में भी, सब ऑफिस में हर ख्याल में है, हेड ऑफिस में हिंदी अखबार का सब्सक्रिप्शन करना है और हर कोई कर्मचारी को हिंदी अखबार पढ़ने के मौका देना है। दूसरा, हर कोई कर्मचारी के से मेरा अनुरोध है अपना हिंदी में फिल्म देखो ताकि हिंदी सीखने में बहुत आसान होगा और साथ ही साथ जब भी मौका मिलते है हिंदी में आपस में बातचीत करो। ये सिर्फ हिंदी 14 सितंबर को नहीं है, इसको आगे जारी रखना पूरा साल में हम, ताकि हम फर्स्ट प्राइज, जैसे हमारा सचिव ने बोला है, हम अगले साल हिंदी का फर्स्ट प्राइज लाएंगे कायर बोर्ड के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत जी। समय की कमी है, क्वेश्चन आपको वोट ऑफ थैंक्स के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित। इस वर्चुअल हिंदी चेतना समारोह में के उद्घाटन पर भाग लिया सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी अनुभाग की ओर से तहे दिल से धन्यवाद मैं अदा करता हूँ। थैंक यू। आप सभी खड़ा हो जाइए राष्ट्रगीत के लिए। Thank you.